हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। जब भी आप बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हो तो इस बात को जरूर सुनिश्चित करें कि वो स्कूल किस स्कूल बोर्ड से एफिलिएटेड है, यानी किस स्कूल बोर्ड से उस स्कूल को मान्यता मिली हुई है। क्या वो CBSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, ICSE बोर्ड है या फिर कोई इंटरनेशनल बोर्ड है। और जिस भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने का वो स्कूल दावा करता है, क्या वो सच में उस स्कूल बोर्ड से एफिलिएटेड है या नहीं, ये भी आपको कंफर्म जरूर कर लेना चाहिए, वरना आगे जाके आपको और आपके बच्चों को हो सकती है बहुत बड़ी परेशानी। तो इस वीडियो में बताने जा रही हूँ किस तरह से आप स्कूल के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो स्कूल CBSE से सच में एफिलिएटेड है कि नहीं, और आप 100% कंफर्म हो सकते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से स्कूल काम करता है। पहला होता है कि स्कूल ने CBSE द्वारा जो भी क्राइटेरिया बताया है, जो भी मापदंड बनाए हैं, उन सब को पूरा करता है और उस स्कूल ने CBSE से प्रॉपर तरीके से एफिलिएशन यानी मान्यता प्राप्त की हुई है। और दूसरा होता है कि स्कूल 12th तक की क्लासेस चला रहा है लेकिन वो CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, और वो स्कूल किसी और स्कूल से जो CBSE द्वारा एफिलिएटेड है उनसे टाई अप करके चलता है। जब बच्चा 9th में आता है तो वो रजिस्ट्रेशन अपने स्कूल के द्वारा नहीं, बल्कि जो जिस स्कूल से उसने टाई अप कराया है वहाँ से करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्कूल है ABC, वो स्कूल क्लास 10th तक अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है लेकिन वो CBSE से एफिलिएटेड नहीं है, या फिर एफिलिएशन के प्रोसेस में है और उसे अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो वो क्या करता है, किसी और स्कूल, मान लीजिए वो स्कूल का नाम है XYZ, उससे उसने टाई अप कर लिया। तो जब भी उनके स्कूल में पढ़ रहे बच्चे क्लास 9th में आएंगे तो वो उनका रजिस्ट्रेशन स्कूल ABC से नहीं बल्कि XYZ से कराएंगे, यानी उस स्कूल से जहाँ से उनका टाई अप है। और जब भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो XYZ के स्टूडेंट ही कहलाएंगे, और यहाँ तक कि जो फाइनल मार्कशीट आएगी, जो उसमें स्कूल का नाम लिखा होगा, वो ABC स्कूल जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है वो नहीं होगा, बल्कि जहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो होगा, यानी XYZ स्कूल का नाम उनके सर्टिफिकेट पे आएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर स्टूडेंट ने एग्ज़ाम पास कर लिया तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट को कंपार्टमेंट आ गया, वो फेल हो गया या री एग्ज़ाम देना है, या फिर कोई भी इशू क्लास 10th या 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स रिलेटेड होगा, तो उसके लिए उसे ABC स्कूल को अप्रोच नहीं करना होगा, बल्कि XYZ स्कूल जहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है सारी चीज़ें उनकी वहीं से सॉल्व होगी। तो इस केस में पेरेंट्स और स्टूडेंट को परेशानी उठानी पड़ सकती है, तो इसलिए आप ये तय करें कि इस तरह के स्कूल में आपको एडमिशन करवाना है या नहीं। तीसरी चीज़ ये होती है कि कई बार होता है कि स्कूल पहले तो CBSE से एफिलिएटेड था लेकिन आज की डेट में वो एफिलिएटेड नहीं है, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। वो क्यों होता है? क्योंकि CBSE किसी भी स्कूल को जो एफिलिएशन देता है, जो मान्यता देता है, वो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए देता है, 5 साल 7 साल ऐसे टाइम पीरियड के लिए देता है। किसी भी स्कूल को परमानेंट एफिलिएशन नहीं दी जाती है, वो इसलिए क्योंकि स्कूल अपने आप को रेगुलर अपडेट करता रहे, और जो भी CBSE ने क्राइटेरिया फुलफिल करने को स्कूलों को कहा है मान्यता प्राप्त करने के लिए, उसका स्ट्रिक्टली पालन करें। इसलिए हर 5वें साल पर या 7वें साल पर CBSE द्वारा फिर से एक रिव्यू किया जाता है कि क्या वो CBSE के एफिलिएशन के लायक है या नहीं। इसलिए कई बार ये भी हो सकता है कि उस स्कूल ने CBSE के उन मापदंड को अब पूरा ना कर पा रहे हों जिसके वजह से उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। और सबसे खतरनाक चीज़ जो किसी भी स्टूडेंट और पेरेंट को परेशानी में डाल सकता है वो ये है कि आज की डेट में कई पैसे वाले धोखेबाज लोग भी हैं जो स्कूल तो खड़ा कर लेते हैं और ये दावा करते हैं कि वो CBSE द्वारा एफिलिएटेड है, पर एक्चुअली में वो एफिलिएटेड नहीं होता है। स्टूडेंट का एडमिशन करवा लेते हैं लेकिन 9th में जाके उनको ये पता चलता है कि वो स्कूल तो एफिलिएटेड है ही नहीं, जिसकी वजह से उन बच्चों को किसी और स्कूल में अप्लाई करना होता है और 9th में उनको कहीं और एडमिशन के लिए भटकना पड़ता है। स्कूल तो ऐसे भी हैं जो फेक तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाकर फेक सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी बच्चों को इशू कर देते हैं, जिसकी एक्चुअली में कोई भी वैल्यू नहीं है और बच्चे का साल बर्बाद हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए और 100% श्योर होने के लिए कि कोई भी स्कूल CBSE से एफिलिएटेड है कि नहीं, मैं इस वीडियो में
बता रही हूँ कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जाना है आपको CBSE की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर, और जब ये पेज ओपन होगा इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक फॉर CBSE वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा स्कूल डायरेक्टरी, इसे आपको क्लिक करना है। इस स्कूल डायरेक्टरी में आपको सारे लिस्ट ऑफ स्कूल्स मिल जाएंगे जो CBSE द्वारा एफिलिएटेड हैं। आप यहां पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्कूल एफिलिएटेड विद CBSE है 22,964। इतने सारे स्कूल्स हैं जिनको आज की डेट में CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब जिस भी स्कूल की डिटेल आप चेक करना चाहते हैं उसे आप चेक कर सकते हैं, बोर्ड वाइज, एफिलिएशन नंबर वाइज, स्टेट वाइज, रीजन वाइज, स्कूल लेवल वाइज, और डिस एफिलिएटेड स्कूल की भी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो फॉर एग्जांपल आप सेंट जोसेफ स्कूल के बारे में पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे सेंट जोसेफ्स, फिर आप क्लिक करेंगे सर्च पर। तो जितने भी सेंट जोसेफ्स नाम के स्कूल्स हैं जो CBSE द्वारा एफिलिएटेड है उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि कौन से सेंट जोसेफ स्कूल के बारे में आपको जानना है। इसमें आप देख सकते हैं स्कूल का नाम है, उस स्कूल का एफिलिएशन नंबर, हेड और प्रिंसिपल का नाम भी लिखा है, और स्टेटस ऑफ द स्कूल, स्कूल यानी वो स्कूल कितने क्लास तक है, सीनियर सेकेंडरी तक ये स्कूल है, एफिलिएशन कब तक इस स्कूल को दी गई है, जैसे 2023 तक दी हुई है, साथ में उस स्कूल का एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर आपको एफिलिएशन नंबर पता है तो आप वहाँ पर क्लिक करें, वहाँ पर स्कूल का एफिलिएशन नंबर डालें, और उसका स्टेटस क्या है आप देख सकते हैं कि स्कूल की एफिलिएशन अभी कंटिन्यू है या फिर नहीं है। अगर आपको स्टेट वाइज चेक करना है तो स्टेट वाइज ऑप्शन को चूज करें, ड्रॉप डाउन में डिफरेंट स्टेट्स के नाम आएंगे, आपका जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ उत्तर प्रदेश, फिर उस आपसे पूछा जाएगा उस स्टेट का कौन से डिस्ट्रिक्ट के स्कूल के बारे में आपको जानना है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया गौतम बुद्ध नगर, फिर आप यहाँ पे सर्च पे एंटर करेंगे तो आपके सामने वो सारे स्कूल की लिस्ट आ जाएगी जो गौतम बुद्ध नगर में है और CBSE द्वारा एफिलिएटेड है। स्कूल का नाम उसके एफिलिएशन नंबर के साथ बाकी डिटेल्स भी आ जाएगी, तो यहाँ पे से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको रीजन वाइज पता करना है तो वहाँ पे भी आप सेलेक्ट कीजिए रीजन, कौन से रीजन में दिल्ली का चुनना है तो दिल्ली का चुन लीजिए और सर्च कीजिए, दिल्ली रीजन में जितने भी स्कूल्स हैं उसकी लिस्ट आपके सामने होगी। अगर आपको स्कूल लेवल वाइज चेक करना है तो उसके लिए आप स्कूल लेवल वाइज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पर आप चूज़ कीजिए सेकेंडरी लेवल, सीनियर लेवल या प्राइमरी लेवल। तो अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया प्राइमरी लेवल, और कीवर्ड भी आपको डालना है, जैसे स्कूल का नाम डाल सकते हैं तो सेंट जोसेफ्स डाला, तो मैंने प्राइमरी से सेलेक्ट किया तो कोई भी स्कूल सामने नहीं आया, यानी प्राइमरी लेवल तक की कोई भी स्कूल सेंट जोसेफ्स नाम से नहीं है जो CBSE द्वारा एफिलिएटेड है। अगर मैं सेकेंडरी लेवल डालती हूँ तो इतने सारे स्कूल्स की लिस्ट आती है जो सेंट जोसेफ्स नाम से है और सेकेंडरी लेवल तक उसकी क्लासेस है। इसके बाद एक और ऑप्शन है डिसएफिलिएटेड स्कूल्स का, यानी कि वो सारे स्कूल जिसको पहले एफिलिएशन दी हुई थी लेकिन अब आज की डेट में उनकी CBSE एफिलिएशन यानी मान्यता रद्द की जा चुकी है। तो आज की डेट में 111 स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी एफिलिएशन CBSE द्वारा हटा दी गई है, तो उन सारे स्कूल्स का एफिलिएशन नंबर, नाम और उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम विथ एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है ये चेक करना कि स्कूल CBSE द्वारा सच में एफिलिएटेड है या नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कोई भी धोखेबाज स्कूल के चक्कर में आने से बच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।